हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, बने रहना मेरे साथ वीडियो एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजान की टिप्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा एक ड्रॉप के बारे में। बहुत प्रसिद्ध सी ड्रॉप है, आपको हर जगह मिल जाएगा ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम, ये आप देख सकते हैं मॉक्सिकाइन सीवी ड्रॉप के नाम से आता है। इसके अंदर क्या क्या फार्मूलाज हैं, इसकी क्या कंपनी है, क्या इसकी MRP है, क्या डोज कर रहा है इसकी, या आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या साइड इफेक्ट हैं, सारी चीज़ें बता दूँगा किस किस काम में आएगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो एंड तक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी फार्मूलाज की। तो इसके अंदर फार्मूलाज पाए जाते हैं मॉक्सिक्लिन एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये इसके अंदर दो फार्मूलाज होते हैं। अब बात करेंगे आगे इसकी कंटेंट्स की। तो ईच ML कंटेंट, हर ML के अंदर कितनी मात्रा मिलाई गई है। अमोक्सिक्लिन इसके अंदर 80 mg होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो 11.4 mg होता है। ये 1 ml के अंदर कंटेंट जो मिलाए जाते हैं वो है। अब आगे बात करते हैं इसके कुछ उपयोग के बारे में या इसके फ़ायदे। मॉक्सिक्लिन CV एक एंटीबायोटिक दवा है जो कान और नाक, गले, छाती, फेफड़े, दांत, त्वचा और मूत्रमार्ग के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने में मदद करती है। यह अन्य चिकित्साओं के प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है और इस प्रकार ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में भी मदद करता है, जो अन्य उपचारों के लिए प्रतिरोधक है। अब इसके थोड़ी और मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। इसके अलावा आप अपने बच्चों को भोजन के साथ या भोजन के बिना मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप दे सकते हैं। इसे भोजन के साथ देना बेहतर होता है क्योंकि इससे अवशोषण बढ़ता है और पेट में गड़बड़ी होने का खतरा कम होता है। डॉक्टर इसे दिन में 2 से 3 बार देने की सलाह दे सकता है। दवा की खुराक उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है, इसलिए दी गई खुराक को तय समय और बताई गई सलाह के अनुसार ही लें। यदि आपका बच्चा दवा के सेवन के 30 मिनटों के भीतर उल्टी करता है तो बच्चे को पहले शांत होने दें और फिर उसे वही खुराक दें। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना लें। मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप्स के कारण उल्टी, डायरिया, दस्त, मिचली आना, पेट में दर्द और एलर्जी हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाने चाहिए, लेकिन यदि ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चों को परेशान करते हैं तो देर किए बिना अपने बच्चों के डॉक्टर को परामर्श करें। अपने बच्चे का पूरा मेडिकल इतिहास डॉक्टर के साथ शेयर करें, जिसमें एलर्जी, हृदय की समस्या, रक्त संबंधी विकार, जन दोष, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फेफड़ों की विसंगति, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्या, त्वचा विकार, लीवर और किडनी की खराबियां शामिल हैं। यह जानकारी डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना में मदद करेगी। इसके मुख्य इस्तेमाल में आपको बता दूं कि प्रतिरोधक का उपचार जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, TB और बैक्टीरिया में होने वाले संक्रमण, इसमें होता है इसका इस्तेमाल। इसके कुछ फ़ायदे मैं आपको और बता देता हूँ। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस TB जो होता है उसके इलाज में कैसे काम करता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेज नामक एंजाइम का उत्पादन करते हैं। यह एंजाइम एंटीबायोटिक को तोड़ता है और उन्हें अप्रभावी बनाता है। नतीजतन बैक्टीरिया इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है। मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप में 2 एक्टिव सामग्री अमोक्सिक्लिन और क्लोविनानिक एसिड शामिल है, जबकि क्लोविनानिक एसिड एंजाइम को अमोक्सिक्लिन पर अप्रभावी बनाने से रोकता है। अमोक्सिक्लिन क्षय रोग के कारण होने वाले बैक्टीरिया को मारने की दिशा में काम करता है। यह अमोक्सिक्लिन और क्लोविनानिक एसिड को प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक असरदार इलाज बना देता है। बैक्टीरिया के जो संक्रमण हो जाता है उसके इलाज में कैसे काम करता है। अमोक्सिक्लिन CV ड्रॉप में 2 अलग अलग दवाएं अमोक्सिक्लिन और क्लोविनानिक एसिड मौजूद है, जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एक साथ काम करती है। अमोक्सिक्लिन बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर काम करता है। क्लोविनानिक एसिड जो होता है वो प्रतिरोध कम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ अमोक्सिक्लिन की गतिविधि बढ़ाता है। इस कॉम्बिनेशन दवा को अनेक बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कान, साइनस, गला, फेफड़े, मूत्रमार्ग, त्वचा, दांत, जोड़ और हड्डियाँ। इसके कारण आमतौर पर आपको बहुत जल्दी अच्छा महसूस होने लगता है, लेकिन आपको बेहतर महसूस होने के बाद भी सुझाई गई अवधि तक इसे लेना जारी रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया मारे जा चुके हैं तथा इनमें प्रतिरोध विकसित नहीं हुआ है। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट का वही रहता है, कोई भी साइड इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहता, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है मिचली आना, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। कुछ ऐसी सुरक्षा संबंधी सलाह मैं दे देता हूँ कि किडनी बीमारी में क्या मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप सुरक्षित है। तो किडनी की बीमारियों से पीड़ित मरीजों ने मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप का इस्तेमाल सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह करें। अब लीवर की बीमारी में इसे सुरक्षित है। लीवर की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर आपके बच्चे को लीवर की गंभीर बीमारी है तो उसे मॉक्सिक्लिन CV ड्रॉप देने से पहले अपने बच्चे
अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। ये तो हो गया इसके फ़ायदे और इसके साइड इफेक्ट और इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं या कुछ और ज़्यादा मैंने टिप्स जो मैंने आपको दिए। अब आगे मैं बात करूँगा इसी कंपनी की, तो ये फ़िलहाल मेरे पास आप देख सकते हैं मैनकाइंड कंपनी का है ये सामने, और ये एक ऐसा ड्रॉप है कि आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आप किसी भी एरिया में रहते हो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब आगे मैं बात करूँगा आपसे इसकी MRP की, तो ये 72 रुपये का होता है, कॉस्टली होता है। मैं इसकी आपको पैकिंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डोज भी बता दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर बॉटल होती है छोटी सी, इसके अंदर ये पाउडर होता है और ये वाटर साथ में आता है, जो वाटर इसमें मिक्स किया जाता है और ये ड्रॉपर साथ में होता है। तो अब मैं आपसे बात करूँगा इस डोज की, तो आपके बच्चे को ये ड्रॉप जो आप समझ सकते हैं कि ड्रॉप एक साल से अंडर जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको देने के चांस रहते हैं, उससे ज़्यादा के लिए तो फिर सीरप आ जाते हैं। तो इसका सीरप भी आता है, वो भी आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा। तो आपको मोक्सिकैन सी वी ड्रॉप बच्चे को देना होता है, महीने के कुछ बच्चे होते हैं जो एक महीने दो महीने के। फिर इनकी डोज की मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डोज अगर बच्चा कुछ दिन का है, जैसे एक महीने का अंडर है, तो आप आधी आधी पिचकारी दे सकते हैं सुबह शाम, और बच्चा थोड़ा बड़ा है अगर आप तो एक पिचकारी आप सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप सुबह शाम दे सकते हैं। तो इसकी ये डोज हो गई छोटे बच्चों के लिए, जितने भी इन्फेक्शन हो जाते हैं सब में फ़ायदा करता है, लेकिन साथ के साथ ये पेट ख़राब करता है। मॉक्सिसिलिन एंड क्लैबिनेट जितनी भी होते हैं ये पेट ख़राब करने के चांस रहते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को काफ़ी हद तक समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर अगर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।